आज मैं जसपुर के मोस्ट हॉन्टेड शमशान घाट में आया हूँ। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं, ये यमराज जी हैं और ये जो माता सती हैं, ये अपने पति के लिए, जब इनके पति मर गए थे तब इनके प्राणों की को जीवित करने के लिए यमराज जी से प्रे करती हुई ये तस्वीर यहाँ बनाई गई है। ये और चलो, चलिए आप सबको मैं अब जसपुर का जो मोस्ट हॉन्टेड शमशान घाट है उसकी विजिट कराता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या ऐसा है। आइए। साथ आते हैं मुर्दे के साथ, तो वो यहाँ बैठते हैं, विश्राम स्थल है, विश्राम स्थल है, यहाँ विश्राम किया जाता है। ये आप सामने देख रहे हैं ये जगह, यहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है और यहीं उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है। अंतिम संस्कार में होने वाले सारे सब कुछ यहीं किया जाता है यहाँ। और ये सामने देखिए, आइए मैं शंकर भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति की तरफ आप सभी को लेकर चलता हूँ। आइए। टाटा वालो, ये जो शंकर भगवान जी की मूर्ति है इसको शमशान में क्यों रखा गया? ये क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि शंकर भगवान जी जो रहते थे वो शमशान में ही रहते थे। क्योंकि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि शंकर भगवान की जब शादी हुई थी तो उनकी बारात कहाँ से चढ़नी शुरू हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो शमशान घाट से ही उनकी बारात चढ़नी शुरू हुई थी, इसलिए शमशान घाट में शंकर जी की मूर्ति इतनी बड़ी बनाई गई है जसपुर के। और ये भी काफ़ी लागत से बनाई गई है। ये आपको जानकारी है किस चीज़ के हैं? ये जो है ये इसलिए हैं क्योंकि जब किसी डेड बॉडी को हम यहाँ शमशान में लाते हैं तो यहाँ रख कर इनका पिंड बदला जाता है। पिंड बदलने के बाद तब अंतिम रूप से इस जगह पर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग हैं सब में? ये अलग अलग इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो एक साथ चार डेड बॉडी या पांच डेड बॉडी आई तो सबका अंतिम संस्कार एक साथ किया जा सकता है, लंबे समय का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये चार चार पाँच पाँच बनाए गए हैं। तो क्या आप इनके पास जाओगे? वैसे तो इन पर चढ़ने के लिए मना किया गया है, फिर भी हम आपको जूम करके यहीं से दिखा देते हैं। आपको अब लेके चलते हैं जसपुर के मोस्ट हॉन्टेड बच्चा शमशान घाट में, और साथ में एक बाबा जो यहाँ सुंदर बाबा के नाम से पहले रहते थे, उन्होंने यहाँ अपना प्राण त्यागे थे तो उनकी समाधि बनाई गई है, वो आपको दिखाते हैं। आइए। ये रास्ता सीधा बच्चों के शमशान घाट में जाता है, ये देखिए ये रास्ता का प्रतीक बनाए गए हैं और नीचे सुंदर बाबा श्री समाधि स्थल भी बनाया गया है। आइए। आइए दिखाते हैं हम आपको बाबा जी की समाधि। देखिए ये बाबा जी की समाधि है, सुंदर बाबा जी की। ये देखिए ये सुंदर बाबा की समाधि यहाँ बनाई गई है, इसी उपलक्ष में हर साल यहाँ भंडारा चलता है, साल भंडारे का आयोजन किया जाता है, नगर की बहुत प्रमुख जनता आती है यहाँ। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं बच्चा शमशान घाट।
ये बच्चा शमशान घाट है। अगर कोई नवजात शिशु अगर एक्सपायर हो जाता है तो उनको यहाँ दफनाया जाता है। यहाँ साथ में एक बगीचा भी बनाया गया है बहुत सुंदर। एक मिनट।